हाय दोस्तों, आज हम गुजिया बनाएंगे। पहले मैं आपको सामग्री बता देती हूँ। आधा किलो मैदा, 2 चम्मच घी मोवन के लिए, थोड़ी सी बादाम कटी हुई, थोड़ी सी सौंफ, एक कटोरी कोकोनट, एक कटोरी बेसन, शक्कर आधा किलो, थोड़ी सी किशमिश, आधा किलो खोवा। अब हम इसमें मोवन डालेंगे जो हमने घी लिया था। आप तेल भी डाल सकती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये देखिए, इस तरह से बराबर से हम मिलाते जाएंगे मोवन को और आराम से धीरे धीरे डालते जाएंगे। यानी देसी घी का यूज किया है। ये इस तरह से बराबर से हम मिला देंगे ताकि एक भी आँठी ना रह जाए। हम इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे बराबर से ताकि इसमें एक भी दाने ना रह जाए जो हमने मोवन मिलाया था। ये हमारा मोवन अच्छे से मिल चुका है, ये देखिए मिल गया पूरा। अब हम इसको पानी से गूंथेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। ये पानी अपने हिसाब से डालते जाइए। इसका आटा कड़क बनता है। मोवन अगर नहीं डालेंगे इसमें तो वो सॉफ्ट नहीं बनती है गुजिया, थोड़ा कड़क हो जाती है, इसलिए मोमन डालना जरूरी रहता है। मैदा गूंद करके तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। हमने जो एक कटोरी बेसन लिया था उसको गूंद लिया है अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा बेसन गूंद गया है। अब हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। ये हमने पैन चढ़ा लिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। ये हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे डाल करके कि तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने ये जो बेसन लिया था एक कटोरी, उसकी मोटी मोटी 2 पूड़ियाँ बना ली हैं और इसको हम तलेंगे। अब हम ये इसको पलटा देंगे इधर से बराबर से। ये अच्छी लाल हो गई है, इसी तरह लाल कर लेंगे बढ़िया दोनों पूड़ियों को। अब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे सावधानी से। ये हमारी दोनों पूड़ियाँ तल गई हैं। अब हम इसे इस तरीके से तोड़ेंगे। ये अच्छे से तोड़ लेंगे दोनों पूड़ियों को। ये गर्म है, अच्छे से तोड़िए, हाथ में ना जले क्योंकि बहुत गर्म है। इस तरीके से ऐसे महीन करते जाएंगे। ये सारी पूड़ी महीन कर लेंगे, अच्छे से मसलते जाएंगे ऐसे। ये बराबर से मसलते जाइए। ये हमारा बारीक हो चुका है, ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको मिक्सर में पीसेंगे ताकि अच्छा बारीक हो जाए। ये देखिए, हम इस तरह मसल लिए इसको पूरा अच्छे से। हम गैस ऑन कर देते हैं और जो हमने पूरी का पाउडर बनाया था वो इसमें डाल देते हैं। ये इसमें से खुशबू आने लगी है, इसका मतलब ये हमारा सीख चुका है। ये थोड़ा सा लाल हो जाए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। ये हमारा सीख चुका है, अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। हमने इसमें घी तेल कुछ भी नहीं डाला है, इसको ऐसे ही सेका है। ये बेसन है। अब हम इसमें डालेंगे मावा खोआ जो हमने घर पे बनाया था। ये यहाँ इसमें मावा डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर, ये पीस लिया था, ये हम शक्कर डाल दिए इसमें। और अब हम ये नारियल जो हमने लिया था एक कटोरी, नारियल हम थोड़ा ज़्यादा लिए हैं क्योंकि नारियल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है गुजिया में। और ये हमने ड्राई फ्रूट्स, ये किशमिश और ये बादाम तल लिया है। ये अब हम इसको बराबर से मिक्स करेंगे। ये हमारा मिल गया है। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ जो हमने पीस करके रख लिए थी। ये सौंफ ये हम इसको डाल रहे हैं, पीस करके इसका छान लिया था अच्छे से बारीक। ये अब हम इसको सबको बराबर से मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाते जाएंगे ऐसे। मिश्रण
तैयार हो गया है। अगर आपको ये बेसन नहीं मिलाना है तो मत मिलाइएगा। अगर आपको ये लंबा लग रहा है कि लंबा है, कठिन है, देर लगती है इसमें, तो आप इसमें सूजी को अच्छे से घी में सेक करके और इसमें मिला सकती हैं, और बेसन मत मिलाइए। लेकिन टेस्ट इसी में अच्छा आता है, बेसन मिलाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी गुजिया बनती है। हमने जो आटा लगा करके रखा था मैदा, ये हमारा फूल चुका है। अब हम आपको गुजिया बनाकर दिखाएंगे। अब हम इसकी लोइया बनाएंगे। हम लोई बड़ी रख रहे हैं, ये देखिए, हम बड़ी लोई बनाएंगे और इसको बेलेंगे। हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको गिलास से काटेंगे। आपके पास अगर नुकीली कटोरी हो उससे भी काट सकती हैं, कटोरी हो या गिलास किसी से भी काट सकते हैं। अब हमारे इसमें 6 निकल आई हैं। अब हम इन छोटी जो काट कर रखी थी रोटियां, इसको हम एक एक करके बेलेंगे। सारी रोटियों को बेल लेंगे। ये अब हम इसको अपने सांचे में डालेंगे। ये अब हम डालेंगे इसमें अपना मिश्रण जो हमने तैयार किया था, ये डालेंगे। ये और इसको बंद कर देंगे अच्छे से, इस तरह से गैस ऑन करेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा तेल गर्म हो गया है कि नहीं। ये ऊपर आ गया, ये इसका मतलब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम अपनी गुजिया डालेंगे एक एक करके। ये हम डाल देंगे। हम गैस बंद कर देंगे और ये लाल हो गई है तो निकाल लीजिए। ये अपन निकाल लेंगे। हमारी गुजिया तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए।